हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज के वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाएंगे। ये देखिए, हमने सिर्फ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया का यूज़ करके ये बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाई है गोपाल जी के लिए। इसके साथ हमने ये चोली बनाई है और ये है पगड़ी, बहुत ही हैवी पगड़ी बनाई है हमने। ये ड्रेस बनाना बहुत ही ईजी है। आप ये ड्रेस 5 से 6 नंबर तक के कान्हा जी के लिए ईजिली बना सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने गोपाल जी को पहनाने के बाद दिखाया भी है कि ये कैसी लग रही है पहनने के बाद, बहुत ही सुंदर लग रही है। और गाइस, अगर आप इस तरह की पोशाक या फिर मेरे चैनल की कोई भी पोशाक परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके ड्रेस परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे बेस बना लिया है। नीचे वाला बेस बनाना मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लें। अब इसके साथ मैं यूज़ करूँगी, ये देखिए, ये ब्लू कलर का ऊन। और इसे ही बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 9 नंबर की क्रोशिया हुक का यूज़ किया था, और आगे की जो बुनाई होगी वो भी हमारे 9 नंबर के क्रोशिया हुक से ही होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे ऊन को जोड़ लिया, आप किसी भी साइड से जोड़ सकते हैं। ये ऊन को जोड़ने के बाद अब हमारी बुनाई यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो हमें देखिए कैसे बुनना है। सबसे पहले तो यहाँ से हमने एक चेन बनानी है, 2, 3, 4, हमने 4 चेन बनाई। अब देखिए यहाँ पे हम 1, 2, 3 तीसरी चेन के बाद हम यहाँ पर ऐसे इसे ज्वाइंट करेंगे। ये हमने ज्वाइंट कर दिया, फिर हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चार चेन बनाएंगे। और यहाँ देखिए 1, 2, 3 तीसरी चेन के बाद चौथी चेन में ज्वाइंट करेंगे। ये हमने ज्वाइंट कर दिया। हमें यही करना है जब तक हम यहाँ लास्ट तक ना आ जाएं अपनी कमर पे। ये देखिए, मैं आपको बताऊँ, यहाँ लास्ट तक जब तक हम नहीं आ जाएं तब तक हमें ऐसे ही करना है। 4 चेन बनानी है और तीसरी चेन के बाद हमें ज्वाइंट कर देना है। चलिए मैं एक रो बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ अपनी पूरी कमर पे बना लिया है, यहाँ तक हमने बनाया है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 1, 2, 2 चेन बनानी है, और ये जो हमने बनाया है इसमें ऐसे हम डालेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 1 बनाई, 2 बनाई, 3, 4, 5, 6 हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई। अब यहीं पे हम इसे ऐसे करके स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब ये नेक्स्ट चेन में हम आएंगे और यहाँ पे पहले हम स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। ये हमने जोड़ लिया। अब यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। हमने 1 बनाई, 2, 3, 4, 5, 6 हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाई, इसे भी हम यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जोड़ दिया। अब फिर नेक्स्ट में आएंगे, इसमें पहले हमने स्लिप स्टिच से जोड़ा, अब हम यहाँ पे 1, 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए, 2 चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पे 1 बार डबल क्रोशिया बनाई, हमें 5 बार और बनानी है। सेम चीज़ हमें फिर से वही रिपीट करनी है। तो ये हमारी 2 हो गई डबल क्रोशिया, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, और ये हमारी 5 हो गई। इसके बाद हम एक और बनाएंगे, ये टोटल हमारी 6 हो गई। 6 होने के बाद हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फिर हम नेक्स्ट चेन में आएंगे और यहाँ पे फिर हमें वही करना है, स्लिप स्टिच से जोड़ना है, और 6 बार हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये हमने 1, 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट 6। ये देखिए, ये ऐसे करके आएगा। ये देखें आप, कुछ इस तरह का आएगा। तो ऐसे करके हम ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक रो बना ली है। ये पूरा हम यहाँ से यहाँ तक आ गए। अगर आप देखेंगे तो ये कवर करता है हमारी नीचे वाली 1 और 2,
दो रो को ये कवर कर रहा है। देखिए यहाँ से ये पूरा ये दो रो कवर कर ले रहा है। तो हम यहाँ पे दो रो ये हमारा कवर कर लिया है और फिर हम यहाँ इस रो से स्टार्ट करेंगे। आपका जितना भी दूर कवर करता है उसके बाद जो रो आती है उसके बाद से आपको स्टार्ट कर देना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमें ऊन को ले आना है, तो इसे हम लेके चलेंगे नीचे यहाँ से ऐसे करके स्लिप स्टिच से जोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। ये देखिए हमने नीचे कर लिया है। अब हमें ये वाली रो ही पकड़ के ऐसे बना देना है यहाँ से यहाँ तक। तो मैं आपको दिखाऊँ, जब हमें जो रो पकड़नी हो हम ऐसे वहीं से मोड़ लें। ये देखिए हमें ये रो लेके चलनी है। मैं चौक से मार्क कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। हमें ये वाली रो लेके चलनी है, ये वाली। अब आपको दिख रहा होगा हमें ये वाली रो लेके चलनी है। तो जो रो लेके चलनी हो उसे हम ऐसे यहाँ पे मोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमारा बनाना बहुत इजी हो जाएगा। हमें सेम चीज़ फिर से करनी है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने एक दो तीन चार चार चेन बनाई। अब इसे हम यहाँ देखिए एक दो तीन तीन चेन के बाद चौथी चेन में हम ऐसे जोड़ेंगे। स्लिप स्टिच से जोड़ दिया, फिर हमने एक दो तीन चार चार चेन बनाई। फिर ये देखिए एक दो तीन तीन चेन के बाद हमने ये चौथी चेन में इसे जोड़ लिया। फिर हमने एक दो तीन चार चार चेन बनाई। फिर आप देखें एक दो तीन तीन चेन के बाद चौथी चेन में हमने इसे जोड़ दिया। ये मैं आपको दिखाऊं कि ये कैसा बनता जा रहा है। ये देखिए ये ऐसा बन रहा है पूरा हमें यहाँ से लेके, ये देखिए ये ऐसा आएगा पूरा हमें यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक बनाना है। चलिए हम बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस हमने यहाँ पूरे राउंड पे बना लिया है। अब हम यहाँ पे फिर से वही सेम चीज़ करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ हम सबसे पहले छः बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमने छः बार सिंगल क्रोशिया बनाई, स्लिप स्टिच से यहीं जोड़ दिया। फिर नेक्स्ट चेन में आए, पहले हमने स्लिप स्टिच से जोड़ा, अब यहाँ पे दो चेन बनाई और छः बार हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए फिर से नेक्स्ट में हमने स्लिप स्टिच से जोड़ा और यहाँ छः बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक दो तीन चार पाँच छ। फिर हमने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, जोड़ दिया। नेक्स्ट चेन में आए, पहले हमने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ा, फिर यही एक दो, फिर हमने यहाँ पे छः बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। दो तीन चार पाँच छ, फिर हमने यहाँ इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। ये देखिए कुछ ऐसा करके आएगा ये। ऐसे करके हम अपने पूरे राउंड पे बना लेंगे और इसके बाद फिर हम यहाँ पे, चलिए पहले मैं बना लेती हूँ फिर दिखाऊंगी कि कहाँ से करना है। ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे भी ये पूरी रो पे बना लिया। अब फिर हमें सेम चीज़ बनानी है। तो ये देखिए ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो इसके नेक्स्ट वाले पे हम शुरू करेंगे। मतलब हमें इस बार यहाँ से शुरू करना है, ये वाली रो हम शुरू करेंगे और इसके बाद फिर हम एक रो छोड़ देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। मतलब सेम चीज़ हमें दो बार और बनानी है। चलिए हम बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे ये बना के कंप्लीट कर लिया है। एक दो तीन चार चार लेयर हमने बनाई है। और ये देखिए ये नीचे से अगर हम देखें तो एक दो तीन 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 के गैप पे हमने बनाया है। फिर देखिए एक दो तीन, फिर लास्ट में एक दो तीन, तीन तीन के गैप पे हमने ये चार रो बना ली हैं। अब हमें क्या करना है, हमने ये देखिए ये लेस ली है, ये इस टाइप की है, इसमें से हमने ये छोटे छोटे पीस कट किए हैं।
इस पीसेस को हम यहाँ पे ऐसे करके लगा देंगे बीच बीच में। ये लगाना बिल्कुल ही ऑप्शनल है गाइस, अगर आप चाहें तो लगाएं, नहीं चाहें तो ना लगाएं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे मोती या मिरर कुछ भी लगा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। ऐसे करके हम इसे ग्लूगन की हेल्प से चिपका लेंगे। ये देखिए हमने जहाँ जहाँ ये लगाया हुआ है वहाँ वहाँ हम इसे ऐसे चिपका लेंगे। और गाइस एक चीज़ और, यहाँ पे हमने ये देखिए डोरी बना ली है दोनों साइड से बांधने के लिए, तो चलिए हम इसे चिपका लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ चिपका लिया है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए जब हम इसे पहनाएंगे गोपाल जी को तो ये यहाँ से ऐसे आएगी, ये देखें बहुत सुंदर लगेगा। तो चलिए अब हम चोली भी देख लेती हैं। चोली देखिए हमने पहले से ही बना ली है, जहाँ से आप बेस का वीडियो देखेंगे वहाँ पे आपको चोली की भी वीडियो मिल जाएगी। और वैसे भी मैं सभी साइज़ के चोली की वीडियो धीरे धीरे करके अपलोड कर रही हूँ, तो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी सभी साइज़ के चोली की वीडियो। मैंने सभी वीडियो बना ली है, बस मुझे धीरे धीरे करके अपलोड करना है। तो ये देखिए चोली ये बन गई है, इसके साथ हमने ये 0 नंबर में वाइट कलर की मोती ली है। तो पहले तो हम ये देखिए यहाँ स्लीव पर लगाएंगे मोती, हमें देखिए कैसे लगाना है। ये पूरी हमारी स्लीव है, हम यहाँ से लेके और यहाँ तक लगाएंगे, थोड़ी दूर छोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए ऐसे करके लगाना है, पहले हमने धागे को अच्छे से फंसा लेना है। हमने यहाँ धागे को अच्छे से फंसा लिया, अब हम इसमें से मोती ले लेंगे, एक दो और तीन, तीन मोती लेनी है और थोड़ा सा आगे हमें टक करना है। ये देखिए हमने लगाया, अब ये जो हमारी लास्ट वाली मोती है इसमें से हम वापस हो जाएंगे, ये हमने वापस कर लिया इसे, ये देखिए। अब फिर हमें दो मोती लेनी है, एक और दो, फिर हम इसे यहाँ थोड़ी दूर आगे ऐसे टक करेंगे। और ये देखिए ये लास्ट वाली मोती से ऐसे करके हमें वापस निकाल लेना है सुई को। ये देखिए ये लगता चला जाएगा, अब हमें हर बार दो दो मोती लेनी है। ये देखिए ऐसे दो मोती ली और थोड़ा सा आगे करके लगा लिया, फिर ये लास्ट वाली मोती से वापस निकल गए। ये देखिए ये इस तरह का आएगा। तो ऐसे करके हम यहाँ स्लीप पे और दूसरी स्लीप पे भी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस हमने यहाँ दोनों स्लीप पे मोती लगा ली है, इधर से और इधर से भी, और ये हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बना ली है नेक के ऊपर। अब हमने यहाँ पे एक 5 नंबर में मोती ली है और अपनी 0 साइज वाली मोती ली है, इसे हम लगाएंगे। तो आप देखें हमें कैसे लगानी है। यहाँ पे हम बीच में एक मोती लगाएंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे एक मोती लगा ली। अब हम ये छोटी वाली मोती लेंगे, हमने यहाँ 10 मोती ली है, अब हम इसे यहाँ पे ऐसे करके लगाएंगे राउंड में। ये देखिए अब हम इसे 2-4 जगह से टक कर देंगे जिसकी वजह से ये निकले ना। अब देखिए ये हमारी यहीं पे सेट हो गई है,
सेम ऐसे ही हम एक और यहाँ पे बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि हमें पगड़ी कैसे बनानी है। ये देखिए गाइस, हमने दो बना के लगा लिया, ये हमारी चोली भी कंप्लीट हो गई, बहुत ही सुंदर लग रही है अब देख के। ये देखिए आप, अब हमें पगड़ी बनानी है। तो पगड़ी के लिए हमने कुछ काम कर लिया है, आप देखें ये हमने इतना बना लिया है। ये बनाना आपको जब आप चोली की वीडियो देखेंगे तो उसी से पता चल जाएगा, क्योंकि हमारी चोली का ऊपर का हिस्सा यही होता है। ये जो आप ऊपर वाली 1, 2, 3, 4 ये जो भी रो देख रहे हैं, ये देखें आप, ये हमारा ऐसे ही सर्कल होता है। ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाता है, तो यही हमारी चोली का ऊपर वाला भाग हो जाता है। ये यहाँ से करके इतनी दूर से हमारी चोली आ जाती है, आप देखें कैसे, ये देखें ये इतनी दूर से आ गई है, यही सेम चीज़ यहाँ से आ जाएगा। तो हमने अपनी चोली का ऊपर वाला हिस्सा बना लिया है, यही हमें इतना करना है। अब हम इससे पगड़ी बनाएंगे। तो इससे पगड़ी हमें कैसे बनानी है, हम इसे ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे करके फोल्ड होगी, ये हमने इसे यहाँ से फोल्ड किया और हम यहाँ ऊपर वाला हिस्सा ऐसे करके सिल देंगे। ये देखिए आप, पूरा कवर हो जाएगा ऊपर से। मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाऊं, ये हमारी पगड़ी है, ये देखिए, इसे ऐसे मोड़ा, फिर इधर से ऐसे मोड़ा, एक हिस्से को हमने लंबा रखा है और जिस हिस्से को हमने लंबा रखा है उसे हम यहाँ पे ऐसे टक कर देंगे, यहाँ पे हमें ऐसे सिल देना है। तो चलिए हम इसे सिल देते हैं सुई धागे की हेल्प से। ये देखिए, ये हमारा बेस बनके रेडी हो गया है। अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे और यहाँ से हम ब्लू कलर से एक बार आउटलाइन देंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे ये ब्लू कलर का ऊन लिया है, हम देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पूरे राउंड पहते हुए यहाँ से पूरा यहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ऐसे करके हमें यहाँ सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो चलिए हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे ब्लू कलर से आउटलाइन कर ली है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके ये हमने एक चेन बनाई, अब यहाँ हमें इसी चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। हमने एक बार बनाया, सेम चेन में हम बना रहे हैं दो बार, फिर सेम चेन में हमने तीन बार, एक ही चेन में हमें 5 से 7 बार बना लेना है। ये 4, 5, 6 और ये 7, हमने 7 बार बनाया। अब यहीं पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब देखिए, एक चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, एक बार लपेटा, दो बार लपेटा, यहाँ थोड़ा सा आगे डाला और ये देखिए 4 फंदे हैं, 4 फंदे से हमने इसे 3, 3 से हमने 2 और 2 से 1 फंदा किया। फिर हमें सेम चीज़ सेम चेन में करनी है, सॉरी, ये देखिए 2 बार लपेटा और सेम चेन में हम कर रहे हैं, सेम चेन में फिर से हमें वही 8 से 10 बार करना है, जिससे ये थोड़ा सा बड़ा हो। 2 बार हुआ, 3। ये देखिए, हमने 10 बार किया। अब हम यहीं पे इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ लेंगे। ये हमने जोड़ लिया, ये देखिए, ये ऐसा करके हमें मिलेगा। अब फिर हमें एक चेन आगे जाना है, यहाँ पे हमने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ा,
फिर हम एक दो तीन चेन बनाएंगे और उसे एक दो तीन बार लपेटेंगे। जैसे हम दो बार कर रहे थे वैसे हमने तीन बार कर लिया। वैसे ही हमें दो दो फंदे उतारते जाने हैं। बहुत इजी है गाइस, ये देखिए। ये देखिए हमने यहाँ 15 बार कर लिया। अब ये जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम इसे ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमने इसे जोड़ा, यहाँ से हमने नॉट लगा के कट कर देना है। ये देखिए कुछ इस टाइप का हो गया। अब हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया बनानी है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सभी चेन में एक एक बार बनाते हुए, यहाँ पे लाके स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, फिर यहाँ से आएंगे यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, फिर यहाँ से आएंगे यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। तो हम व्हाइट कलर से एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर ये चेन बना ली है। हमें क्या करना है, ऐसे कट करके इसे यहाँ से ऐसे एक बार चिपकाना है। तो हम ग्लू गन की हेल्प से इसे पेस्ट करेंगे। हम इसे यहाँ से पूरा लगाते हुए, ये बैक से लगाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। और हमें यहाँ पे भी अटैचमेंट लगानी है। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसमें एक नॉट लगाएंगे, और नॉट लगाने के बाद हमें इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। सबसे पहले हमने एक और दो, ये देखिए दो चेन बनाया। अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें टोटल 10 बार डबल क्रोशिया बनाना है। हमने एक बनाया, दो, ये देखिए हमने इसके अंदर 10 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से अटैच करेंगे। ये देखिए यहीं पे हमने इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से अटैच किया। अब यहाँ से धागे को हम थोड़ा सा लंबा रख के कट करेंगे, क्योंकि अभी हमें काम है। ये हमने कट कर दिया। अभी हम अपने स्टार्टिंग वाले धागे को पकड़ेंगे जिसे हमने नॉट लगाई थी, और इसे हमने खींच लेना है। ये देखिए ये हमको ऐसा एक सर्कल मिल जाएगा। ये देखिए आप, अब हमें क्या करना है, इस सर्कल के ऊपर हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने अपनी चोली पे वाइट कलर मोती से बनाया है। ये हम इसके ऊपर बनाएंगे और यहाँ ऐसे करके लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे आ जाएगा इसके ऊपर। ये देखिए गाइस हमने यहाँ पगड़ी को काफ़ी हैवी कर दिया है। हमने ये पीछे से, ये देखिए ऐसे करके चिपका दिया इसके ऊपर, एक दो प्लेट डाल के चिपका दिया। और यहाँ ये जो हमने बनाया था सर्कल, इसके ऊपर हमने यहाँ पे वाइट कलर से एक बार आउटलाइन कर दी सिंगल क्रोशिया से। और यहाँ कुछ मोती लगा लिए हैं छोटे बड़े करके, और ये हमने यहाँ पे ये लेस लगा दी है। अब हमने यहाँ फिर से मोती लिया है, ये हमने 8 नंबर में, ये हमने 4 नंबर में, और ये हमने 0 नंबर में। देखिए इसे हम यहाँ पर लगाएँगे साइड से, हमें थोड़ी सी लटकन। हमने ब्लू मोती भी ली हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको, मैं यहाँ रखना भूल गई। हमने यहाँ से धागे को टक कर लिया अच्छे से, और ये हमने 4 मोती ले ली है ब्लू कलर की। ये हमने 2 नंबर में मोती ली हुई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बड़ी वाली मोती लगाएंगे, इसके बाद ये छोटी वाली लगाएंगे। ये हमने लगाई, अब हमें ये मोती लगानी है। हमने यहाँ 12 मोती लगाई है। अब एक ये लगा लेंगे ब्लू वाली, और इसके बाद हमें क्या करना है, ये सभी हमने जो व्हाइट वाली मोती लगाई है छोटी वाली 0 साइज वाली, सभी मोती से हमें एक बार धागे को फिर से निकाल लेना है। ये देखिए हमने व्हाइट वाली से निकाल लिया, अब इसे भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम धागे को एक बार टक करेंगे ऐसे करके, और फिर से हमें सेम चीज करनी है। फिर से हम यहाँ 2 मोती से निकालेंगे, और फिर हम यहाँ पे वही 12 मोती लगाएंगे और ब्लू मोती लगाएंगे, फिर से वापस आएंगे। हमें ऐसे ही रिपीट करते जाना है। हमें 3-4 लटकन लगानी है यहाँ पे। चलिए हम लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस हमने यहाँ पगड़ी बना ली, और ये हमारी लटकन भी देखिए कितनी सुंदर लग रही है।
तो ये हमारी पगड़ी हो गई, और ये चोली, और ये हो गई हमारी पोशाक। तो चलिए अब मैं इसे कान्हा जी को पहना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे गोपाल जी को पोशाक पहना दी है, बहुत ही क्यूट लग रही है। मुझे लग रहा था कि ये कलर इनके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, बट ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने तुरंत ही कंगन भी इनके बना लिए, देखें दोनों हाथ में कड़े पहना दिए हैं। ये है इनका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।